Good morning, everyone. Welcome back to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English host here. I welcome you here. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज पोएम 3 ऑफ आर रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट दैट इज अ टाइगर इन द जू. ठीक है, बिना वन थिंग आई ऑलवेज से इन माय वीडियोस दैट इज इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल यू मस्ट सब्सक्राइब इट. अलोंग विद दैट यू हैव अ बेल आइकन यू मस्ट प्रेस दैट बेल आइकन टू. ठीक है, उसके साथ साथ आप अपना कमेंट या फीडबैक या सजेशन वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. इट विल वील बी हैप्पी टू मेक द चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन आवर वीडियोस. ठीक है, सो बिफोर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम बिगिंस, क्या आपके पास कॉपी और बुक है आपके हाथ में? नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए और उठा लीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट that whatever I am teaching you, वो आप सब लिख लें so that you can re-revise everything. आज आप पढ़ लेंगे फिर आप revise और re-revise कर सकेंगे if you have everything in your notebook. ठीक है, because कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हमेशा cell phone नहीं होता और cell phone हो तो हमेशा internet नहीं होता. ठीक है, so let us begin. Here you can see we have the central idea and the message of the poem. Okay? Central idea का मतलब क्या होता है मैं फिर बता देती हूँ. Central idea का मतलब है कि हमारी poem किस चीज के बारे में discuss कर रही है, क्या theme रखकर या क्या idea रखकर, ठीक है, क्या किस सोच के साथ वो poem लिखी गई है और क्या बताया जा रहा है उस poem के through, वो है central idea. ठीक है, अब हम बात करते हैं तीन पॉइंट्स के बारे में. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेज द पोएट एक्सप्लेन्स द एग्नी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर. ठीक है, एग्नी का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम एंगर बहुत गुस्सा, साथ में हेल्पलेसनेस. हेल्पलेसनेस का मतलब होता है लाचारी, जब आप मजबूर हो कि आप अपनी बैड कंडीशंस के लिए ही कुछ नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो केज्ड टाइगर क्यों बोला, क्या आपने उसे अपने घर में पिंजरे में बांध के रखा हुआ है? नहीं, इट इज ट्रैप्ड इन अ जू. ठीक है, ये केज में है, सलाखों के पीछे है. सलाखों को इंग्लिश में बोलते हैं बार्स. सलाखों के पीछे है, ठीक है, जू में है टाइगर. सेकेंड पॉइंट, द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट लाइफ कुड बी इफ द टाइगर हैड बीन अ फ्री एनिमल. दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करता है कि टाइगर की लाइफ क्या होगी अगर वो जू में बंद नहीं है, तो उसकी लाइफ क्या होती और कैसी होती है उसके बारे में पोएट ने इस पोएम में डिस्कस किया है कि टाइगर की एक्चुअल लाइफ कैसी है. क्यों? क्योंकि टाइगर की जिंदगी एक केज में रहने वाली नहीं है. टाइगर की लाइफ जो है वो कहां पर है? इन द फॉरेस्ट और इन द ग्रासलैंड्स. ठीक है, चलिए. The conditions of animals that are caged by human beings for fun. दूसरी चीज बताई गई है the misery या the unhappy life. ठीक है, the gloom of the life. The gloom of the life of an animal is discussed here. कि अगर वो जानवर पिंजरे में बंद होता है सिर्फ किसके लिए, कि लोग आकर मजा लेंगे. So are caged by human beings for fun. That is उनकी कंडीशन क्या हो जाती है? ब्लूम ऑफ द लाइफ. उनकी जिंदगी का तो दुख का समय शुरू हो जाता है. किसका? एनिमल्स का. किसका कैसा टाइम शुरू हो जाता है? ब्लूम ऑफ लाइफ. ठीक है, अब आते हैं हम मैसेज पे. मैसेज मींस व्हाट? मैसेज मींस वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं. कौन? हमें पोएट क्या सिखाना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू. ठीक, तो देख लेते हैं मैसेज को. Freedom is a natural instinct of every human. Freedom is a natural instinct of every human. क्यों बोला गया है? क्योंकि आजाद रहना, खुले में रहना, ठीक है, लाइफ हमारी फ्रीडम वाली हो, कोई हमें बांध के ना रखे, ऐसी लाइफ सब एक्सपेक्ट करते हैं, सारे ह्यूमंस एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हर इंसान के अंदर की जो फीलिंग होती है, इंस्टिंक्टिव सेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है,
अंदर की नेचुरल सेंस है वो क्या बताती है कि फ्रीडम उसका राइट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्यों, ये क्यों बोला, चलिए आगे आते हैं। वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ रहना चाहिए, उनके नेचुरल हैबिटेट में। अब ये नेचुरल हैबिटेट क्या है, हो सकता है एनिमल्स के लिए नेचुरल हैबिटेट क्या है, या तो हो सकता है फॉरेस्ट में, ठीक है, हो सकता है वो ग्रासलैंड्स में रहते हो सकता है वो डेजर्ट्स में रहते हो। अब वो डेजर्ट्स कैसे हो सकते हैं, हो सकता है वो कोल्ड हो सकता है वो हॉट डेजर्ट्स हो, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह, वहां पे बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ इतनी होती है कि पेड़ पौधे नहीं उग पाते, ठीक है। और हॉट डेजर्ट जैसे हमारा राजस्थान, ठीक है, जहां पे रेगिस्तान है वहां पे क्या है, दूर दूर तक वास्ट एरिया में क्या फैली हुई है, सैंड ही सैंड है, तो वहां पे भी प्लांट्स एनिमल्स ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से तो वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ रहने देना चाहिए, उनके नेचुरल हैबिटेट में। उनके हमारा घर क्या है, मतलब हम लोग कहाँ रहते हैं, जंगलों में तो नहीं रहते हम लोग, पेड़ों पे भी नहीं रहते हम लोग, हमारे लिए जो घर है हमारा वो एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक घर में रहते हैं हम लोग, बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम कहते हैं एनिमल्स को जिनकी लाइफ क्या है, शायद फॉरेस्ट में या उनके नेचुरल जहां पे वो सूटेबल है वहां पे रहने के लिए, पर हम उनको कहते हैं कि आप एक कमरे में रहो, ऐसा नहीं हो सकता। क्वारंटाइन में अभी सब लोग हैं अभी, ठीक है, लॉकडाउन पीरियड था तो सबको बोला गया था कि घर में रहो, तो क्या सब लोग उग नहीं गए थे, बिल्कुल उग गए थे, ठीक है, क्यों, सब फेडअप हो गए थे क्योंकि उनको एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहना पड़ रहा था, ठीक है, और बेचारे इन एनिमल्स के पास तो उससे भी छोटा एक पिंजरा होता है, उसी के अंदर रहना होता है, ठीक। तो नो वन इज हैप्पी बीइंग इन अ ट्रैप, बीइंग इन अ केज, एवरीवन वांट्स फ्रीडम। नेचुरल हैबिटेट जस्ट लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स टू मींस आल्सो, इसका मतलब है आल्सो लॉन्ग, लॉन्ग मींस लंबे वाला लॉन्ग नहीं है यहां पे, लॉन्ग मींस विश, ठीक है, दे ऑल्सो विश फॉर फ्रीडम, उनकी भी लॉन्गिंगनेस होती है, उनकी भी विश होती है कि वो फ्रीडम में रहें एंड नॉट इन द केजेस, ठीक है। अगर आप क्या करिए, आप पहले पॉज बटन दबाइए, ठीक है, और ये सारा कुछ लिख कर फिर आगे की तरफ आप वीडियो में चलें, ठीक है, बिफोर बिगनिंग लेट यू पीपल में कॉपी ऑन दिस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टैंजा वन में क्या बताया गया है, ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्राइड्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है। हर पोएम की तरह इस पोएम में भी मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ राइम स्कीम, ठीक है। अब ये राइम स्कीम पता कैसे लगाते हैं, तो राइम स्कीम पता लगाते हैं हम वर्ड्स हर स्टैंजा के, हर लाइन के लास्ट वर्ड से, ठीक है। एवरी स्टैंजा लास्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन, स्ट्राइप स्केच क्वाइट रेज, ठीक है, स्ट्राइप स्केच क्वाइट रेज। तो ये राइम वर्ड्स होते क्या है, बेसिकली मैं राइम वर्ड्स बता देती हूँ, पहले राइम वर्ड्स से बनता है राइम स्कीम, ठीक है। तो राइम वर्ड्स, राइम वर्ड से बनता है क्या, राइम स्कीम, ठीक है। तो अब ये राइम वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कैट बैट हैट, ओके, बुलेट वॉलेट, दिस साउंड सिमिलर, ठीक है, नाइट क्वाइट, क्वाइट फाइट, स्वीट मीट ग्रीट, ये सब क्या है, राइम वर्ड्स। तो इसी तरीके से यहां पे भी हमें राइम वर्ड्स देखे हैं। सो स्ट्राइप्स एंड क्वाइट, स्ट्राइप्स एंड क्वाइट, ठीक है। तो केज रेज स्ट्राइप्स क्वाइट, सो हियर वी हैव, यहां पे हमारी साउंड सिमिलर है केज रेज क्वाइट और स्ट्राइप्स, इनकी साउंड सिमिलर नहीं है, इसलिए ये ए और ये सी। कुछ स्कूल्स में बच्चों टीचर्स इस तरीके से भी कराते हैं, आप ये मत समझना कि हमारे स्कूल में तो ऐसे कराते हैं, टीचर्स ऐसे भी कराते हैं, 1 2 3 2, क्यों 1 2 3 2 क्यों, क्योंकि केज और रेज की तो साउंड सिमिलर है, स्ट्राइप्स की केज से मैच हुई नहीं, इसलिए 1 2, और
ये क्वार्ट्ज अलग ही है इसलिए थ्री. तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी. ही स्टक इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड का मतलब क्या होता है, विविड का मतलब होता है कलरफुल एंड ब्राइट, कलरफुल एंड ब्राइट. तो अगर आप किसी टाइगर को कभी आपने पिक्चर में देखा हो, सो उसके कलर्स इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट में है विद कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड येलो कलर, ब्राइट येलो कलर, कि कलर्स दूर से ही क्या लगते हैं, बहुत विविड, बहुत ब्राइट कलर्स है. स्ट्राइप्स का मतलब जो बॉडी पे लाइंस होती है ना टाइगर की, पूरी बॉडी पे ब्लैक लाइंस होती है, ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, उनको स्ट्राइप्स बोला गया. और स्टॉक्स का मतलब होता है वॉकिंग साइलेंटली, बहुत चुपचाप मूव करना और कैजुअली मूव करना, ठीक है, साइलेंटली और कैजुअली, जब ऐसे ही मूव करते हैं, ठीक, ऐसे ही मजे में चल रहे हैं, सो उसको बोला गया है स्टॉक्स. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. फ्यू स्टेप्स क्यों बोला गया है, क्योंकि वो एक किस्में है केज में, तो वो ज्यादा नहीं चल सकता, सिर्फ कितना चल सकता है जितनी केज की जगह है, इसलिए बोला गया है द फ्यू स्टेप्स, बिकॉज ही कैन मूव ओनली इन हिज केज. ठीक है, ये जो मैंने लाइन बोली है ये आपको इस लाइन के एक्सप्लेनेशन में लिखना है. ठीक, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स बोला गया है द सॉफ्ट पॉज, जो बेस होता है टाइगर की पॉ आपने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रहता है, कभी आपने डॉगी का या आपने कैट का देखा हो तो इस तरीके से रहता है, फिर इसके ऊपर उनके नेल्स. ठीक, तो अब ये पैड्स को जो दिखाया गया है वो ये क्या है, ये जो सॉफ्ट उनके कुशन टाइप पॉज के नीचे रहता है, ठीक है, उनको बोला गया है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. क्वाइट क्यों, बिकॉज ही इज मूविंग वेरी साइलेंटली. ठीक है, ही इज मूविंग वेरी साइलेंटली. अब वेलवेट क्यों बोला है, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, एज सॉफ्ट एज अ फैब्रिक. ठीक है, वेलवेट एक फैब्रिक होता है जो कि बहुत ज्यादा शाइनी और सॉफ्ट होता है. ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से इनके पॉज भी हैं. ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज, अब ये लाइन आती है कि वो गुस्से में है या शांत है, क्योंकि क्वाइट का मतलब है शांत, पीसफुल, काम. ठीक है, शांत, और रेज का मतलब है वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा है वो. इन हिज क्वाइट रेज, यहां पे उसका गुस्सा शांत क्यों है, बिकॉज ही इज हेल्पलेस. वो क्या है, हेल्पलेस है, अभी वो केज में है इसलिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्या कर रखा है, टाइगर ने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रख रखा है, दबा कर रख रखा है. ठीक है, ही इज वेरी एंग्री ओवर बीइंग ट्रैप्ड, बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट इज व्हाई ही इज साइलेंट. वो कुछ नहीं कर सकता पिंजरे में रहकर बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि उसकी सारी ताकत अभी कहां, पिंजरे के अंदर, तो अभी वो बिल्कुल शांत है, अपना गुस्सा वो किसी पे नहीं दिखा सकता. ठीक है, सप्रेस कर रखी है उसने किसको, अपने एंगर को दबा के रख रखा अपने एंगर को. ठीक है, अब हम आते हैं पोएट्रिक डिवाइसेस सारे कवर कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने इमेजरी का यूज किया है. ठीक है, इमेजरी का यूज क्या होता है बच्चे, इमेजरी बताता है जो हमारी फाइव सेंसेस को यूज करके हमें इमेजिन कराए. गुस्सा जो है मैं महसूस कर सकती हूं, देख नहीं सकती कि ये लो गुस्सा, ना मैं आपको दे सकती हूँ, लो पकड़ लो ये गुस्सा ले लो, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये क्या है, हम महसूस कर सकते हैं. तो यहाँ पे गुस्से का होना, शांत होना, ये सारी चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, इसलिए इमेजरी का यूज हुआ है. कहां कहां इमेजरी का यूज हुआ है, पॉइंट नंबर फाइव है, तो मैं यहाँ पे फाइव स्टार कर देती हूँ, फाइव स्टार कर दिया. ठीक है, आपको पता चल गया. उसके बाद आता है हमारे पास राइम स्कीम, हमने डिस्कस कर ली, हमने इमेजरी डिस्कस कर ली, फिर आता है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चे, इसी के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, पर्सन. ठीक है, पर्सन वर्ड क्या क्या बताता है, कि जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी एनिमल या बर्ड को एक ह्यूमन के जैसा दिखाएं, किसके जैसा दिखाएं, पर्सन के जैसा, हम उसको एक ह्यूमन के जैसा दिखाएं. ठीक है, तो अगर उसकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी है कि ह्यूमन जैसा लग रहा है, तो तब हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. जैसे टाइगर है तो हमने उसके लिए वर्ड यूज किया ही, हिज.
ठीक है, ये ही और हैज हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी मेल पर्सन के लिए, ठीक है, किसी मेल पर्सन के लिए। तो इसी तरीके से ये ही क्या है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पे हम लिख देते हैं टू स्टार, ठीक है। चलिए मेटाफर, अगर हम बात करते हैं मेटाफर की, तो मेटाफर क्या है, जब हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में। इनडायरेक्ट कंपैरिजन मतलब, जैसे मैं कहूं इफ आई से माय पिलो इज एज सॉफ्ट एज कॉटन, मेरा पिलो जो है रुई की तरह मुलायम है, ठीक है, सॉफ्ट है। अब यही चीज मैं कहूं माय कुशन इज अ कॉटन, तो ये बात मैंने क्यों बोली कि मेरा तकिया ही क्या है, कॉटन है। तो मैंने उनके बीच का जो सिमिलैरिटी थी वो बिल्कुल खत्म करके क्या कहा कि मेरा कॉटन जैसा ही, बिल्कुल कॉटन ही है मेरा पिलो, ठीक। तो वहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने उसके पैड्स को कंपेयर किया है वेलवेट से। वेलवेट क्या है, फैब्रिक है। पैड्स वेलवेट जैसे नहीं है, उसी की तरह मिलते जुलते हैं, सॉफ्ट है, बेसिकली टेक्सचर में, छूने में क्या है, वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। आपके भी पॉज में आप ये वाला पार्ट टच करते हो तो ये बहुत सॉफ्ट लगता है आपको, इसी तरीके से उसके भी पैड्स बहुत सॉफ्ट है, वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। इसलिए अब ये तो नहीं कहा कि पैड्स वेलवेट की तरह सॉफ्ट, हमने क्या कहा, पैड्स ही वेलवेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेटाफर। नेक्स्ट अब मेटाफर भी डिस्कस कर लिए। अब एंजॉयमेंट क्या होता है, एंजॉयमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, एंजॉयमेंट होता है जब हम एक लाइन को नेक्स्ट लाइन में कॉन्टिन्यू कर देते हैं, जब हम एक लाइन को नेक्स्ट लाइन में कॉन्टिन्यू कर देते हैं विदाउट एनी पंचुएशन मार्क। अब पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, पंचुएशन मार्क्स होते हैं कॉमा, कोलन, फुल स्टॉप, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एस्ट्राइक, ठीक है, ये सब क्या है, पंचुएशन मार्क्स है। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में आने के लिए यहां पे और यहां पे दोनों ही जगह मैंने कोई पंचुएशन मार्क यूज नहीं किया है। ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्राइड्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज स्टेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट। ये दोनों लाइन क्या है, कॉन्टिन्यू हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, एंजॉयमेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो फोर स्टार, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्सीमोरोन पे। हमने एंजॉयमेंट भी डिस्कस कर लिया। ऑक्सीमोरोन क्या है, जब हम दो अपोजिट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब जो विशेषण, ठीक है, तो जो जब हम यूज करते हैं दो ऐसे एडजेक्टिव जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, उल्टी, क्लियरली मतलब बिल्कुल साफ साफ, और अनरीडेबल मतलब जो पढ़ा ही नहीं जा रहा, अगर वो पढ़ा नहीं जा रहा तो वो साफ साफ कैसे है, नहीं है ना। तो ये दो अपोजिट वर्ड मैंने एक साथ यूज किए, ठीक है, दोनों वर्ड अपोजिट यूज किए हैं। इसी तरीके से यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है क्वाइट और रेज। क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब गुस्सा। जो शांत होता है वो गुस्सा नहीं होता, और जो गुस्सा होता है वो शांत नहीं होता, पर दोनों चीज वर्ड्स को हमने एक साथ यूज किया है। दोनों ही एडजेक्टिव हैं जो कि किसके बारे में बता रहे हैं, टाइगर के बारे में, इसलिए ये क्या हो चुका है, ऑक्सीमोरोन, ठीक है। आई होप इतना पार्ट क्लियर है। ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम्पल नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था। बाकी सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम मूव करते हैं सेकेंड स्टांजा की तरफ, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम डियर पास, ठीक है। तो इसमें पोएट, अब फर्स्ट पैराग्राफ हमारा, फर्स्ट आंसर जो था वो डिस्कस करता था क्या, कि जो टाइगर है वो अभी केज्ड लाइफ जी रहा है, बट नाउ हियर द पोएट इमेजिन्स द लाइफ ऑफ अ ऑफ द टाइगर इन द फ्री, ठीक है, फ्री एरिया में, या हो सकता है वो ग्रास लैंड में हो, क्लियर। अब दूसरी चीज ये, एंड दस मेक्स अ कंपेरिजन, कि कंपेरिजन क्रिएट करता है वो यहाँ पे, कि अगर वो फ्री लैंड में है, ठीक है, अगर वो फ्री लैंड में है तो उसकी लाइफ कैसी है, और जब वो केज था तो उसकी लाइफ कैसे थी। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, लर्किंग का मतलब है वॉकिंग वाइल हाइडिंग, ठीक है, मतलब आप क्या है, चुपचाप अपने प्रे का शिकार कर रहे हैं, ठीक है, मूविंग वाइल हाइडिंग। छिप छिपाकर शिकार करना, ठीक है,
उसे क्या बोला गया है, चुपचाप मूव करना, छुपे में छुप कर, चाहे पेड़ के पीछे चाहे ग्रास के पीछे, तो जब वो छुप कर मूव कर रहा है ठीक है, तो उसे बोला गया है लर्किंग इन शैडो। हो सकता है यहाँ पे शैडो नाइट को बोला जाए, हो सकता है मतलब टाइगर के लिए शैडो कुछ भी हो सकती है, नाइट टाइम भी हो सकता है, लॉन्ग ग्रास भी हो सकती है, और ट्रीज की ट्रीज में भी वो ट्रीज में छुप सकता है या फिर वो बुशेस में छुप सकता है, बुशेस मतलब झाड़ियों के पीछे ठीक है, छोटी छोटी या लंबी ग्रास हो या बुशेस हो तो उनके पीछे वो छुप कर क्या कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है और हाइड किया हुआ है। क्यों हाइड किया हुआ है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मतलब वॉकिंग विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, वॉकिंग विदाउट गेटिंग नोटिस्ड ठीक है। तो वो कहता है कि टाइगर जो है पहले छुप कर अपने किसको देख रहा है, अपने प्रे को देख रहा है, प्रे का मतलब होता है अपने चार, अपने शिकार को, अपने शिकार को देख रहे हुए बिना किसी को पता चले वे प्लम्प डियर पास, जहां पे हेल्दी फैट या हेल्दी डियर जो है आते हैं, पास का मतलब यहाँ पे है टू कम अक्रॉस, टू कम, तो यहाँ पे जो है डियर पानी पीने आते हैं। इतने में ही टाइगर अपना क्या स्टार्ट करता है, अपना अटैक की प्लानिंग करता है, और अपने अटैक की प्लानिंग कैसे करता है, वो पहले तो वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है अपने अटैक करने के लिए, अपने टारगेट को, अपने प्रे को देखने के लिए कि वो कहाँ है। उसके बाद वो क्या करता है, स्लाइड करता है, स्लाइड का मतलब फिसलना नहीं, वो स्लाइड भी स्लाइड होता है कि हम फिसल रहे हैं झूले पर से, पर वो स्लाइड नहीं है यहाँ पे, स्लाइडिंग का मतलब है चुपचाप 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 बहुत धीरे धीरे वो वॉक करता है ठीक है, बहुत धीरे धीरे वो वॉक करता है, और किसकी तरफ जाता है, वॉटर होल की तरफ ठीक है, और किस पर अटैक करेगा, अपने प्रे पर, और इसका प्रे क्या है, डियर ठीक। चलिए अब इसमें हम पोएट्री डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है, हमें पता चल चुकी है राइम स्कीम है हमारी ए बी सी, कैसे पता चली देख लेते हैं दोबारा, शैडो ग्रास होल पास, शैडो और ग्रास का कोई लिंक नहीं, तो ये दो अलग साउंड है, इन्हें मैंने लिख दिया ए, इसे लिख दिया बी, होल और ग्रास का कोई लिंक है नहीं, शैडो और होल का लिंक है नहीं, दोनों ही वर्ड्स का आपस में तीनों वर्ड्स का कोई लिंक नहीं है, सी ग्रास पास है तो बी, ए बी सी बी। देन इज एंटैपमेंट, एंटैपमेंट क्या है, नेक्स्ट लाइन में मूव होना किसी भी लाइन का विदाउट पंक्चुएशन मार्क, तो यहाँ पे स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वे प्लम डियर पास, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, सभी लाइंस में, इसमें नहीं है, इन दो लाइंस में और इन दो लाइंस में क्या है, एंजॉयमेंट है, तो आप लिख सकते हैं टू स्टार टू स्टार ठीक है। नेक्स्ट एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में आपको बता देती हूँ क्या होता है, फिर से पहले के वीडियोस में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, एलिट्रेशन है जब दो या दो से ज्यादा वर्ड एक ही स्टैंजा की एक ऐसी लाइन में है, एक ही लाइन में इस तरीके से आए कि उनके जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के बिगिनिंग लेटर की साउंड से हो, बिगिनिंग लेटर की साउंड बोल रही हूं, तो यहां पे हमारे पास क्या है, शुड शैडो, शुड में दिस साउंड एंड शैडो अगेन ठीक, तो इनकी साउंड सेम है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन, ये वर्ड कौन से हो गए, एलिट्रेशन में ठीक है, आप यहां पे लिख लीजिए थ्री ठीक। बाकी यहां पे हमारे पास एलिट्रेशन है प्लम प पास प, ओके सो दिस प्लम एंड पास बिकम्स एलिट्रेशन थ्री स्टार ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इमेजरी। अब इमेजरी में मैंने आपको फिर से बताया था, या तो हम अपने फाइव सेंसेस को यूज करते हैं, हमारी फाइव सेंसेस क्या कहती है, या तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना ठीक है, टच कर पाना ठीक है, छूना किसी चीज की जो टच है उसको फील कर सके हम, तो ये सब किसमें आते हैं, हमारी इमेजरी में। अब इमेजरी में हमारे पास क्या है कि टाइगर चुपचाप धीरे धीरे चल रहा है, तो वो चीज मूवमेंट मेरे दिमाग में आई कि वो धीरे धीरे चल रहा है, तो वो जो धीरे धीरे चल रहा है उसको मैं फील कर पाई, सोच पाई, महसूस कर पाई कि वो टच जो होगी धीरे धीरे चलने की वो क्या रही होगी ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया हमारे पास,
इमेजरी स्लाइडिंग में और लर्निंग में। यहाँ पे हमारे फोर स्टार, ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। आप बहुत जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम मूव करते हैं स्टैंड्स ऑफ थ्री की तरफ, ठीक है।